अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमानत अली बड़ाच एएम लिंक स्टेट डीएचए फेस टू। व्यूअर्स, जो भी दोस्त डीएचए में या बहरिया में कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल या परचेज करना चाहते हो, वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप दोस्तों को हमारा नंबर मिल जाएगा। 24 मरला हाउस फॉर सेल, ईच मतलब दो हाउस 12 मरले के ये हाउस हैं। ईच की डिमांड है 4,60,00,000। 5 बेडरूम एक में है, मतलब दोनों में 10 बेडरूम। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों का एक जैसा बना हुआ है। टाइल इस्तेमाल की गई है, साइड पे मेटल आप देख सकते हैं, मेटल यूज़ किया गया है। मेन गेट इसका खूबसूरत मेटल का इस्तेमाल किया गया है। लाइट्स की बात करें, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन में लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। और ऊपर इस साइड पे अगर हम आते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं लुयर्स मेटालिक यूज़ किया गया है, ग्लास वर्क किया गया है। इस साइड पर आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन में विंडो इंस्टॉल की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और लोकेशन की बात करें तो आप स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत स्ट्रीट व्यू है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूं हाउस के अंदर। तो जो ही हम एंटर होते हैं हाउस में, यहां पे आप देख सकते हैं डिज़ाइनर हाउस बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। सामने आप देख सकते हैं गैलरी दे दी गई है बहरिया के लाज के मुताबिक, और खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। कार पोर्च की बात करें तो यहाँ पर आप 3 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं, दो मतलब 3 बड़ी गाड़ियां आसानी से खड़ी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ से इसका मेन डोर से मैं जो ही इंटर होता हूँ, खूबसूरत सॉलिड डोर बना हुआ है। जो ही मैं इंटर होता हूँ हाउस में, तो राइट साइड पे यहाँ पे आपको इसका एक बेडरूम मिल जाता है। इस साइड पे आपको इसका ड्राइंग रूम, पहले मैं ले चलता हूँ आपको ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आपको बिग साइज विंडो इंस्टॉल मिल जाती है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग फैन इंस्टॉल है। और डोर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत डोर आप देख रहे हैं, ये इसमें ग्लास और वुड वर्क किया गया, खूबसूरत वर्क किया गया। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, सामने इस साइड पे आपको इसका टीवी लाउंज मिल जाता है, साथ ही ये स्टेयर्स। इधर अगर मैं आता हूँ इस साइड पे तो खूबसूरत ऊपर ही आपको एक लाइट्स का डिज़ाइन बना हुआ है। इस साइड पर आप देख सकते हैं खूबसूरत स्टेयर के साथ। अगर मैं फ्लोर की बात करता हूँ तो फ्लोर में पैनल इस्तेमाल किया गया, वुड पैनल। तो व्यूअर, साथ ही इसका ये एक बेड दे दिया गया है, यहाँ पे एक विंडो और एक साइड ये विंडो और एक ये, 3 विंडो यहाँ पे दे दी गई है। डोर की बात करें तो सेम एक जैसे डोर। व्यूअर, इस साइड पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको इसका किचन मिल जाता है। किचन की बात करें तो एक यहाँ पे आपको इसके ओवन इंस्टॉल मिल जाते हैं। इस साइड पे आपको सामने विंडो और केबन सिंक। तो इस साइड पे इसका मेन किचन की तरफ मैं आता हूँ, बर्नर इंस्टॉल है, ऊपर वाली केबन अच्छी बनी हुई है। इस साइड पे डोर दे दिया गया है, साथ विंडो के साथ सिंक, और इस साइड पे आपको बर्नर हुड और नीचे वाली केबन। अगर यहाँ पे किचन की स्पेस की बात करें तो स्पेस ठीक दी गई है, अच्छा किचन बना हुआ है। साथ ही आपको इसका यहाँ पे मास्टर बेडरूम, टोटल 5 बेडरूम है एक में। सामने दो विंडो दी गई हैं, ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे आपको इसके वॉशरूम, इस साइड पे इसका मेन डोर। तो वॉशरूम में एंटर होने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत दोनों साइड के कबर्ड्स दे दी गई हैं। जो मैं इंटर होता हूँ वॉशरूम में, सामने मिरर इंस्टॉल है, वेंटी इंस्टॉल है, शावर एरिया इसका ऊपर साथ विंडो दे दी गई है, और यहाँ पे कमोड इंस्टॉल कर दिया गया है। टाइल की बात करें तो फुल हाइटेड टाइल इस्तेमाल नहीं की गई। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस बना हुआ है। मैं जो ही स्टेयर्स के ऊपर चढ़ता हूँ तो ग्रे नाइट यूज़ किया गया है, साइड पे मैटर यूज़ किया गया है। व्यूअर्स, जो ही मैं ऊपर इंटर होता हूँ, राइट साइड पे आपको यहाँ पे इसका एक सर्विस किचन कह लें कि मिल जाता है। इस साइड पे स्टेयर्स की बात करें, आप देख सकते हैं खूबसूरत स्टेयर्स, खूबसूरत डिज़ाइन में इसका। इस साइड पे मैं आता हूँ तो इस साइड पे आपको इसका एक बेड मिल जाता है, बेड की आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। जो ही मैं इंटर होता हूँ, साथ ये खूबसूरत लाइट्स, यहाँ से मैं इंटर होता हूँ, सामने
दो विंडो दे दी गई हैं, ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल कर दिया गया है। इस साइड पे कबर्ड और साथ टेरेस का एरिया, ये इसका मेन डोर, खूबसूरत ऊपर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस डोर हम इंटर होते हैं तो नीचे ये आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे वुड पैनल इस्तेमाल किया गया है, साथ ही ग्लास और ग्लास के ऊपर मेटल यूज किया गया है। तो इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि विंडो दी गई है बाहर टेरेस पे जाने के लिए, ऊपर खूबसूरत सीलिंग दे दी गई है और लाइट्स का इस्तेमाल कर दिया गया है। साथ ही इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टोर मिल जाता है सामने विंडो। स्टोर की बात करें तो काफ़ी स्पेस स्टोर में भी दी गई है। तो ये सामने बेडरूम का आपको इसका मेन डोर, इस साइड पे इसकी विंडो मिल जाती है और दूसरी विंडो यहाँ पे। अगर हम फ्लोर की बात करें तो अच्छा मतलब अच्छी टाइल इस्तेमाल की गई है, सामने विंडो और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका वॉशरूम। वॉशरूम की बात करें फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं दोनों साइड पे। तो ये डोर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में डोर इसका क्लोज होता है और सॉलिड डोर बना हुआ है। सामने विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन, शावर एरिया, यहाँ पे वेंटी इंस्टॉल है, उस साइड पे आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिलता है। वेंटी और ऊपर मिरर और ऊपर खूबसूरत लाइट्स दे दी गई है। तो व्यूअर्स यहां से मैं बाहर निकलता हूं, सामने खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। इस साइड पे हम इसके बेडरूम में आ जाते हैं, सामने दो विंडो दे दी गई हैं, ऊपर खूबसूरत सीलिंग फैन और इस साइड पे इसका वॉशरूम। यहां पे आपको जो इसका मेन डोर, ऊपर खूबसूरत सीलिंग, वॉशरूम की तरफ हम जाते हैं तो इस साइड पे आपको फुल लाइटेड कबर्ड मिल जाती है, एक साइड पे विंडो। जो ही मैं वॉशरूम में एंटर होता हूँ सामने आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है, इस साइड पे वेंटी इंस्टॉल है, ऊपर आपको इसका मिरर, और टाइल की बात करें तो फुल हाइटेड टाइल इस्तेमाल नहीं की गई। इस साइड पे आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिल जाता है। तो यहां से मैं बाहर निकलता हूं, सेम जिस तरह अभी दूसरा हाउस है इसके साथ एक ही डिजाइन में दोनों बने हुए हैं, दोनों की डिमांड भी एक जैसी है, बेड भी दोनों में फाइव बेडरूम है। जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।